दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हो देसी फार्मिंग। दोस्तों जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा कि देसी मुर्गी पालन से ब्रॉयलर मुर्गी पालन, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक मैं देसी मुर्गी पालन कर रहा था तो अभी इसके बाद में मैं ब्रॉयलर मुर्गी पालन शुरू कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या मैं देसी मुर्गी पालन बंद कर दूँगा, सिर्फ ब्रॉयलर मुर्गी पालन करूँगा? क्यों आखिर मैं देसी मुर्गी पालन के साथ में या इसको बंद करके मैं ब्रॉयलर मुर्गी पालन करने जा रहा हूँ? तो कई सवाल आपके मन में विचार कर रहे होंगे, तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इसके अलावा इसमें बहुत सारी ऐसी जानकारी है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं देसी मुर्गी पालन और ब्रॉयलर मुर्गी पालन के बारे में, वो भी आपको इस वीडियो में, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आपको उसकी भी जानकारी हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग वीडियो देखते हो तो यार भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, कोई पैसा नहीं पड़ता है, चैनल का सब्सक्राइब करना फ्री है और साथ में लाइक तो कर दिया करो, लाइक करना भी फ्री है। तो चलिए आगे वीडियो को हम बढ़ाते हैं और आपको हम बताते हैं कि देसी मुर्गी पालन जो हम कर रहे थे वो हम आगे करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे तो किस तरह से करेंगे, और ब्रॉयलर मुर्गी पालन हम कर रहे हैं तो किस वजह से कर रहे हैं, सभी कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर हम कराएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम थोड़ा सा अपने फार्म के बारे में बता दें, अपनी हिस्ट्री के बारे में बता दें कि पहले जब मैं ये फार्म, मैंने पोल्ट्री फार्मिंग स्टार्ट की थी, ठीक है, तो ब्रॉयलर मुर्गी पालन से ही स्टार्ट किया था। तो ये जो आप फार्म देख रहे हो ये ब्रॉयलर मुर्गी पालन के लिए ही बनाया गया था। दोस्तों ये जो आप फार्म देख रहे हो, ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो 110 फीट है और जो चौड़ाई है वो हमारी 30 फीट है। तो इस तरह से 3100 स्क्वायर फीट का फार्म है, ठीक है। अगर हम इसमें ब्रॉयलर मुर्गे डालते हैं तो हम इसमें 3000 तक की ब्रॉयलर मुर्गे डाल सकते हैं, अगर अदरवाइज़ लगभग 2500 तो आसानी से पड़ जाएंगे। लेकिन अगर हम यहीं पर इसमें पूरे में हम देसी मुर्गे डालेंगे तो हमारे लगभग 2000 तक हम इसमें देसी मुर्गे डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ब्रॉयलर मुर्गी पालन को शुरू किया था, पहले जो जिस फार्म में मेरा छोटा वाला फार्म है, ठीक है, वहाँ पर थोड़ी मात्रा में मुर्गियाँ पाली थी ब्रॉयलर की। उसके बाद में सोचा गया कि बड़ा करा जाए, थोड़ा सा बड़े स्तर पर किया जाए, क्योंकि 300-500 ब्रॉयलर मुर्गी पालन से कुछ नहीं होता है। तो ये फार्म यहाँ पर जगह किराए की जगह पर लेकर के बनाया गया था, और साथ में हमने और हमारे मामा के लड़के ने, दोनों ने मिल के इसको बनवाया था। पैसा जो था उनका लगा हुआ था, सभी कुछ उनका था, देख रेख हमारी थी, मैनेजमेंट पूरा हम देखते थे, बर्ड को दाना पानी सारा काम हम देखते थे, जो हम लोगों में तय हुआ था, ठीक है, उस हिसाब से हम लोगों का आगे फार्मिंग शुरू हुई थी। कि यहाँ पे ब्रॉयलर में काफ़ी नुकसान हो रहा था, उस समय रेट भी ब्रॉयलर का बहुत अच्छा नहीं मिलता था और फार्मिंग भी जो है बहुत अच्छी तरह से नहीं आती थी। जब उनका लॉस पे लॉस ब्रॉयलर में होता गया, ठीक है, तो उन्होंने इसको छोड़ दिया, मैंने भी इसको बंद कर दिया। तो कुछ समय तक ये फार्म जो खाली पड़ा रहा था, उसके बाद में हमने विचार किया कि फार्म खाली पड़ा है तो देसी मुर्गी पालन किया जाए, क्योंकि देसी मुर्गी पालन में क्या था, मैंने देखा था कि इसमें मतलब नुकसान नहीं है, लॉस नहीं है। रीज़न उसका है कि जो ये देसी मुर्गियां हैं इनको जल्दी जल्दी बीमारी नहीं आती हैं, ठीक है, बीमार नहीं होती हैं और जल्दी जल्दी मरती नहीं हैं। और ब्रॉयलर फार्मिंग में क्या है कि उसमें जो है मरती बहुत जल्दी हैं, ठीक है, उसमें मतलब ब्रॉयलर में बीमारियाँ बहुत जल्दी आ जाती हैं, ठीक है। उसमें अगर फार्म का अच्छा मैनेजमेंट नहीं रखा जाए तो फिर उसमें बहुत जल्दी बीमारियाँ आ जाती हैं। तो इसीलिए हमने देसी मुर्गी पालन को चुना था। देसी मुर्गी पालन करते हुए लगभग 3 साल आ चुके हैं, ठीक है, तो अभी भी मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा। ऐसा नहीं, अगर आपको ये लग रहा होगा कि ये देसी मुर्गी पालन छोड़ देंगे, ठीक है, तो इसको भी मैं कंटिन्यू रखूँगा। जैसे ब्रॉयलर मुर्गी जब हम पालते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें बहुत सुरक्षा की ज़रूरत होती है, मतलब बहुत ही बर्ड की मैनेजमेंट, बहुत ही सेफ्टी की ज़रूरत होती है, बहुत ही मतलब उसमें बीमारियाँ आती हैं, इसलिए बहुत देख रेख की ज़रूरत होती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं देसी मुर्गी पालन जारी नहीं रखूंगा। क्या करूंगा, इनको मैं जो मेरा छोटा फार्म पीछे बना हुआ है वहां पर मैं इनको शिफ्ट कर दूंगा। थोड़ा सा रिस्क ज़रूर है इसमें, क्योंकि जब हम ब्रॉयलर मुर्गी पालन करते हैं तो हम किसी और फार्म पर भी नहीं जा सकते हैं, ठीक है, और ना ही हम किसी और तरह की मुर्गियाँ आसपास हम पाल सकते हैं। थोड़ी बहुत मात्रा में जैसे देसी मुर्गियाँ हैं 10-20-50 आप बाहर खुले मैदान में छोड़ करके पाल सकते हो, लेकिन एक फार्म के रूप में आप इन्हें ना ही पालें। तो अभी जो हमारी ये देसी मुर्गी पालन है ये हमारा जारी रहेगा, लेकिन इसका जो हम रूप थोड़ा सा बदल रहे हैं, ठीक है। उस क्या है, जैसे कि मतलब हमारे पास अभी कई तरह की आपने देसी मुर्गियों की ब्रीड देखी होंगी, तो अभी जो मैं है जो WFG अभी तक आपने देखा होगा मैं पालता था, तो अभी जो मैं है WFG को जो है वो थोड़ा स्टॉप कर रहा हूँ। अभी मैं जो देसी मुर्गियाँ रखूँगा वो सिर्फ महंगी वाली मुर्गियाँ रखूँगा, मतलब जो ज़्यादा कास्ट में बिकती हैं, ज़्यादा
फीड नहीं खाती हैं, ठीक है। तो महंगी वाली मुर्गियाँ, अब महंगी मुर्गियाँ कौन कौन सी होती हैं, जो मतलब देसी मुर्गियों में कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं जो काफ़ी ज़्यादा महंगी रहती हैं, वो हम आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। वही सिर्फ मुर्गियाँ मैं अपने पास रखूँगा, उन्हीं के चूज़े निकाल करके मैं सेल करूँगा, ठीक है। और बाकी जो ब्रॉयलर मुर्गी पालन है वो अब यहाँ पर मैं स्टार्ट करने चाह रहा हूँ। इसके पीछे का रीज़न, चलिए वो भी हम जान लेते हैं कि क्यों ब्रॉयलर मुर्गी पालन हम स्टार्ट करने चाह रहे हैं। देखिए क्या है ना कि जैसे हमारी ये देसी मुर्गियाँ हैं तो इनको हमें प्रॉब्लम एक क्या होती है कि जैसे ये एक साथ बिकती नहीं। अगर आपने 100-200 बर्ड आपने लेकर के डाल लिए तो ये अगर एक साथ आप इनको सेल करना चाहो तो नहीं बिकती। दूसरी चीज़ की मार्केटिंग में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। एक तो रीज़न ये हो गया, दूसरी चीज़ इसे हम बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं पाल सकते। अगर हम ज़्यादा मात्रा में पालेंगे तो इनके हमें अच्छे रेट नहीं मिल पाते हैं क्योंकि इनको ख़रीदने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो दूसरी चीज़ इनका हम दाना भी प्रॉपर रूप से नहीं दे पाते हैं। अभी जिसमें हमारे आगे सबसे प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि हम इसमें क्या हो रहा है कि जैसे दाना अभी है ना, तो दाना हम अभी लेकर के आए और ये हम पूरे महीने लगभग दाना ही इनका इकट्ठा करते रहते हैं। इतना हमारे पास बजट भी नहीं है कि एक साथ हमने 10-20 क्विंटल दाना लगा लिया तो इनको मैं बराबर खिलाता रहूँ, इतना बजट भी हमारे पास नहीं है। जब बर्ड बिकता है उससे जो पैसा आता है कुछ खर्च होता है अपने आप, अपने काम के लिए, घर के लिए, ठीक है, अपनी रोजी रोटी के लिए जो खर्च होता है, बाकी जो भी पैसा होता है वो थोड़ा बहुत दाने में मैं लगाता रहता हूँ, इससे कोई हमारा प्रॉपर रूप से पैसा नहीं बन पाता है। ब्रॉयलर मुर्गी पालन में क्या है कि जैसे बर्ड हमने डाला एक साथ तो ये पूरा एक साथ एक दो दिन में सारा निकल जाता है। चाहे इसमें अब इसमें जैसे देसी मुर्गी पालन, इसमें आप 100 बर्ड डालो 200 बर्ड डालो तब भी आप एक साथ नहीं बिकेगा। और यहाँ पर ब्रॉयलर में क्या है कि ब्रॉयलर में आप अगर 10,000 बर्ड भी डाल रहे हो तो भी 2-3 दिन में सारा का सारा बर्ड आप उठवा सकते हो। तो ये फ़ायदा होता है ब्रॉयलर मुर्गी पालन का, लेकिन बस वही है कि आपको करना आना चाहिए। तो अभी हम बात करते हैं कि ब्रॉयलर मुर्गी पालन हम कैसे करेंगे। तो देखिए ब्रॉयलर मुर्गी पालन जब करते हैं तो उसमें एक अच्छा खासा बजट लगता है। मान लीजिए अगर आप 1,000 ब्रॉयलर का मुर्गा पाल रहे हो, ठीक है, ब्रॉयलर बर्ड अगर आप पाल रहे हो तो आपको लगभग 1,25,000 रुपये से लेकर के 1.5 लाख रुपये तक के आपका लगने वाला है, ठीक है। इतना पैसा अगर आपके पास है एक साथ लगाने का लगा सकते हो, और साथ में ये भी रिस्क रहता है, नए हो गए तो शायद नहीं, लेकिन अगर आपको जानकारी है और आपने देखा है तो रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, तो इरिटेट बहुत रहता है, माइंड डिस्टर्ब होता है, तो कहीं ऐसा ना हो बर्ड में कोई बीमारी आ जाए, हमारा बर्ड मर जाए तो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाए और हम लॉस में चले जाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर पैसा भी काफ़ी लगता है और जो कि मेरे पास नहीं है, जब है नहीं तो मैं किस तरह से करूँगा, ठीक है। चलिए इसके बारे में भी हम बात करते हैं। एक्चुअली में क्या है, हमारे कुछ एक दोस्त हैं जो कि ब्रॉयलर मुर्गी पालन करते हैं, उन्होंने भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके रखा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे होती है दो तरह की होती है, एक तो होता है जैसे कि मतलब टोटल बच्चा भी दाना भी हर चीज़ कंपनी दे रही है आपको, एक एवरेज के हिसाब से जैसे किलो के हिसाब से आपको दे देगी, एक बर्ड के हिसाब से कि 6 रुपये किलो 7 रुपये किलो आपको बर्ड के हिसाब से दे देगी, ठीक है। और दूसरी तरीका ये होता है जैसे कि हमारे पास थोड़ा बहुत पैसा है, मान लीजिए 10-20-50,000 रुपया है, वो हमने किसी डीलर को, कोई डीलर जो दाना वाला होता है उससे सेट हो कर लेते हैं, तो उस डीलर को हम पैसा दे देते हैं 10-20-50,000 रुपये, ठीक है, और उससे एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, और बाकी का जो फीड होता है वो हमको देता रहता है, यानी कि उधार रूप में, ठीक है, वो उधार के रूप में हमको देता रहता है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि जैसे अगर आप कैश कहीं से दाना ले रहे हो, ठीक है, एकदम नगद दाना ले रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर आप अपने मन से कम दाने का रेट लगवा सकते हो, लेकिन अगर हम उधार दाना ले रहे हैं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा ही लगाएंगे, ठीक, इतना फ़र्क होता है, हर जगह पर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर इसी तरह से फार्मिंग जो है ये हम करने जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत पैसा दे करके बाकी दाना वगैरह है जो वो हम एग्रीमेंट है तो उस पर साइन कर हो करके तब इसमें हम बर्ड को डालेंगे। जब बर्ड डालने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्रॉयलर हमारा बर्ड होता है 35 दिन अधिकतम 40 दिन में 2-2.5 kg तक के भी पहुंच जाता है, तो 2 kg अगर सर्दियों में है, बहुत ज़्यादा गर्मियों में जैसे मई जून की भी गर्मी निकल गई है, इस गर्मियों में ज़्यादा मतलब 33-34-35 दिन में 2 kg नहीं हो पाता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेता है, बाकी अदर सीज़न में लगभग 35 दिन में 2 kg तक ब्रॉयलर का बर्ड हो जाता है। तो 35 दिन तक की जो भी हमें बर्ड को पालना होता है लगभग, और उसी टाइम में लगभग इसको टाइम से सेल कर देते हैं और पैसा जो होता है पूरा के पूरा एक साथ खाली हो जाता है। तो इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो देसी मुर्गी पालन अगर हम कर रहे हैं तो हमारा जो टर्नओवर है, पैसा आया दाना लाया, पैसा आया दाना लाया, बच्चा लाया, ठीक है, ये करते करते मतलब एक सिस्टम ही नहीं बन पाता है कितना पैसा हमने लगाया देसी बर्ड में और कितना हमने कमाया। ब्रॉयलर में एक ये चलता है कि हमारा एक फिक्स अमाउंट, कितना अमाउंट लगा हुआ है,
उसके बाद में जब बर्ड सेल हो गया कितने का सेल हुआ और कितना हमारे पास बचा हुआ है, ये एक फ़ायदा इसमें होता है। लेकिन अभी मैं इसको जैसा कि बताया ना कि देसी मुर्गी पालन में बंद नहीं करूँगा इसको, ये क्योंकि इससे हमारा काफ़ी खर्चा निकलता है और थोड़ा सा इससे एक्सपीरियंस भी बढ़ता जाता है अभी तक जो आपने देखा होगा। तो ये सारी बातें थीं जो कि हम यहाँ पर आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे ही ब्रॉयलर बर्ड डालता हूँ आपको सारी जानकारी मैं देता रहूँगा। इसके लिए हमारी PDF ईबुक है जो कि अभी देसी मुर्गी पालन तैयार है, और ब्रॉयलर मुर्गी पालन की जैसे ही बर्ड पड़ेगा वो भी हम आपको तैयार करके दे देंगे। मतलब हम कोशिश कर रहे हैं, पूरी मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक ब्रॉयलर बर्ड इसमें पड़े तब तक कि हम आपकी PDF बुक भी तैयार कर दें। तो देसी मुर्गी पालन, ब्रॉयलर मुर्गी पालन और लेयर मुर्गी फार्मिंग, ठीक है, एग हैचिंग, चारों बुक आपको एक कंबाइंड बुक आपको मिल जाएगी, ठीक है। अभी जो है वो देसी मुर्गी पालन की PDF बुक तैयार है, अगर आपको चाहिए ले लीजिए। उससे आपको कंप्लीट जानकारी फार्म बनाने का, फार्म मैनेजमेंट का, पानी का, हर चीज़ का आपको जानकारी उसमें मिल जाएगी। बाकी ब्रॉयलर बर्ड कैसे डालते हैं, कैसे पालते हैं, क्या क्या मेडिसिन, तो ये सारी चीज़ें हम आपको वो आने वाली PDF बुक में हम आपको दे देंगे। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में हमने जो आपको जानकारी दी है तो जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।